आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास टेंथ के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप सभी के लिए। यहां पर आप देख सकते हो यह हिंदी विषय का पेपर है जो 2022 की बोर्ड परीक्षा में हुआ था। और इस पेपर को आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सॉल्व करवाऊंगा। और साथ ही अब आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके के अब प्रश्न आएंगे 2023 की बोर्ड परीक्षा में और कौन कौन से प्रश्न कितने अंक के आएंगे। और साथ ही यदि आप इस पेपर को तैयार कर लेते हो तो आपके 10 नंबर तो बिल्कुल पक्के तैयार हो जाएंगे। तो पेपर कुछ ऐसा होगा, यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर 2023 लिखा होगा, विषय हिंदी, 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा, पेपर का पूर्णांक होगा 50 अंकों का और पेपर 2 खंडों में विभाजित होगा। कितने? 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 20 प्रश्न, कितने प्रश्न? 20 प्रश्न बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 2022 में कैसे प्रश्न आए थे। यहां पर पहला प्रश्न है, एक का के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। तो कथन से संबंधित प्रश्न अब 2023 में भी आएगा बहुविकल्पी के रूप में, जैसा कि यहां पर पूछा गया है। यहां पर पहला कथन है, झूठा सच के लेखक राम विलास शर्मा है। दूसरा कथन है, आवारा मसीहा एक उपन्यास है। और तीसरा कथन है, महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका है। चौथा कथन है, हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। इस पेपर में जो यह प्रश्न आया हुआ है इसका राइट आंसर क्या है? चौथा ही कथन सही है, हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो कथन से आधारित प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। और इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं एक खा के अंतर्गत प्रश्न क्या आया हुआ था कि कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। अब यह प्रश्न काफी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर देता है क्योंकि कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है। यहां पर विकल्प देख लो आप सभी लोग, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृत राय और हरिवंश राय बच्चन। तो कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमृत राय। यहां पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। यदि प्रश्न पूछा जाए कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी है तब उत्तर क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद, क्योंकि कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है। और यदि प्रश्न आता है कि कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है तो यह रचना जीवनी विधा पर आधारित रचना है। मैं वादा करता हूं कि आप इस वीडियो को यदि कंप्लीट देख लेते हो तो आपके 10 नंबर प्लस तैयार हो जाएंगे। जी हां, 10 से अधिक नंबर आपके तैयार हो जाएंगे इसी पेपर से, क्योंकि कुछ ही प्रश्न परिवर्तित हैं, बाकी तो सेम वैसा ही है जैसा कि 2022 में आया था। तो यहां पर मैंने आपको बताया है कि 20 प्रश्न बहुविकल्पी आएंगे इस बार 2023 में। आपको मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, चैनल की प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। और साथ ही आप देख सकते हो मॉडल पेपर, जो कि हिंदी विषय का मॉडल पेपर है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, मैंने प्रोवाइड करा दिया है। आप देख सकते हो कैसे किस तरीके के प्रश्न आएंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि कलम का सिपाही के रचनाकार हैं कौन? अमृत राय। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक गा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम बताइए। तो यहां पर अषाढ़ का दिन, यह किसकी रचना है? मोहन राकेश की रचना है। अषाढ़ का दिन किसकी रचना है? मोहन राकेश की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह किसकी रचना है? यह रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की। रस मीमांसा किसकी रचना है? रस मीमांसा रचना है रामचंद्र शुक्ल जी की। और यहां से प्रश्न जरूर आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में कि रस मीमांसा के रचनाकार कौन है, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछा गया है। इसके बाद है, संस्कृति के 4 अध्याय, यह किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। और इसके बाद प्रश्न एक घा है, यहां पर सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। आप ध्यान दीजिएगा, धर्मवीर भारती जी की यह रचना है सूरज का 7वां घोड़ा।
इसके बाद प्रश्न है यहाँ पर एक अंगा जो कि 2022 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, उसने कहा था किस विधा की रचना है। यहाँ पर चार विकल्प दिए हैं, उपन्यास, यात्रा व्रत, कहानी, आलोचना। तो उसने कहा था यह कहानी विधा पर आधारित रचना है, यानी यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। और यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, किशोरीलाल गोस्वामी जी के द्वारा लिखी गई कहानी है, उसने कहा था। तो एक का खा गा घा औरंगा, यह बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते थे 2022 की बोर्ड परीक्षा में और उससे पहले की बोर्ड परीक्षाओं में। लेकिन अब क्या होगा 2023 की बोर्ड परीक्षा में, अब आएंगे 20 प्रश्न बहुविकल्पी जिनका आंसर आपको देना होगा ओएमआर सीट में। तो आपको 20 प्रश्नों की तैयारी मैं कंप्लीट करा रहा हूं, आप चैनल के साथ जुड़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते रहें। यहां पर अगला प्रश्न है इस पेपर का, दो का के अंतर्गत रीतिबद्ध काव्यधारा के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि रीतिबद्ध काव्यधारा के दो कवि कौन कौन से हैं। पहले हैं केशवदास जी और दूसरे कवि हैं बिहारी लाल। बिहारी लाल जी की रचना का नाम क्या है, बिहारी सतसई। आप ध्यान दीजिएगा, बिहारी सतसई किसकी रचना है, बिहारी लाल जी की रचना है, जिसमें 719 दोहे हैं। कितने, 719 दोहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आपको काफी ज्यादा जानकारी मिलेगी जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो जाएगी। इसके बाद प्रश्न है यहां पर अगला, दो खा के अंतर्गत छायावाद की किन्हीं दो मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो छायावाद की दो प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, प्रकृति का मानवीकरण और रहस्य भावना। इसके बाद प्रश्न आया है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रिय प्रवास के रचनाकार का नाम लिखिए। प्रिय प्रवास किसकी रचना है, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं दो गा के अंतर्गत जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, दो नंबर का है। इसके बाद यहां आप देख सकते हो प्रश्न संख्या 3 क्या आया हुआ है, निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो गद्यांश आधारित प्रश्न होंगे सेम वैसे ही पूछे जाएंगे जैसा कि आते थे। जैसे गद्यांश होगा यानी दो गद्यांश आएंगे और दोनों गद्यांश के नीचे तीन तीन, यहां पर आप देख सकते हो एक गद्यांश के नीचे कितने प्रश्न है, 3 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है, 2 नंबर का है, यानी कुल 6 नंबर आपको यहां से मिलेंगे जब आप किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है, कुशंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो यहां पर पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और मैंने संदर्भ लिखने का तरीका भी बता दिया है कि आपको संदर्भ कैसे लिखना है बोर्ड परीक्षा में। यदि आप देखना चाहते हो तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हो संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या है। इसके बाद यहां पर दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश में जो भी अंश रेखांकित होगा उसी की आपको व्याख्या करनी होगी, जैसा कि यहां पर है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि कुसंग अर्थात बुरी संगति जो होती है वह एक भयंकर ज्वर यानी बुखार के समान होती है। किसके समान, भयंकर ज्वर यानी बुखार के समान होती है, क्योंकि बुखार यदि शरीर को आ जाता है, हमारे तेज बुखार आ जाता है तो हमारे शरीर का स्वास्थ्य बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से बुरी संगति में पड़ने पर हमारी सद्वृत्ति का ही नाश नहीं होता बल्कि हमारी बुद्धि का भी छह हो जाता है। यानी व्याख्या आपको करनी है रेखांकित अंश की, और आपको व्याख्या में क्या करना होगा,
कुछ चीजों को यानी जहां पर आप देख पा रहे हैं इनको आपको थोड़ा सा विस्तार करके लिख देना है। तो मैंने जो महत्वपूर्ण गद्यांश हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए मैंने उनसे भी संबंधित वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, आप देख सकते हो। इसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं अगला गद्यांश है, इसके नीचे भी तीन प्रश्न दिए होंगे, आपको किसी एक गद्यांश के ही प्रश्नों का आंसर देना है। इसके बाद यहां पर आप देख पाएंगे प्रश्न संख्या 4 है इस पेपर का, निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या तथा उसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। तो अब 2023 की बोर्ड परीक्षा में क्या होगा कि 2023 की बोर्ड परीक्षा में दो पद्यांश आएंगे और प्रत्येक पद्यांश के नीचे तीन प्रश्न दिए होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी कुल 6 नंबर आपको मिलेंगे पद्यांश आधारित प्रश्नों का आंसर देने पर। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पद्यांश है शीश जटा उर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौं है तून शरासन बान धरे तुलसी बन मारग निसुठ सोए हैं सादर बारहि बार सुभाए चिते तुम त्यों हमरो मन मोए हैं पूछत ग्राम वधु सियसो कहो सावरे से सखी रावरे को हैं। तो यह जो है पद्यांश है इसका संदर्भ क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के अंतर्गत वन पथ पर किस पाठ से है, वन पथ पर शीर्षक पाठ से अवतरित है और जिसके रचयिता कौन हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और इसकी आपको व्याख्या भी करनी है। लेकिन अब क्या होगा 2023 की बोर्ड परीक्षा में जो पद्यांश आएगा उसमें आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी और एक प्रश्न होगा जिसका आंसर आपको पद्यांश के अंतर्गत ही मिल जाएगा। इसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं जीवन परिचय से रिलेटेड प्रश्न आया है प्रश्न संख्या 5 का, और प्रश्न संख्या 5 क्या है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 3 विकल्प दिए गए हैं, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और आपको कुल नंबर कितने मिलते हैं 3 नंबर मिलते हैं जीवन परिचय से। लेकिन अब 2023 की बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय जो आएगा कितने अंक का आएगा, अब आएगा 5 नंबर का, आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे और उनकी रचना का भी नाम लिखना होगा, 5 नंबर आपको मिलेंगे। इसके बाद यहां पर है 5 का, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। 2 यहां पर हैं गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास और बिहारी लाल। तो मैं आपको बता चुका हूं सूरदास जी का जीवन परिचय, तुलसीदास जी का जीवन परिचय और कविवर बिहारी लाल का भी जीवन परिचय। तो आपको करना क्या है, किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनकी रचना का नाम लिखना होगा जिसके लिए आपको 5 नंबर अब 2023 की बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय से रिलेटेड प्रश्न 5 नंबर का आएगा, यानी कुल 10 नंबर आपके यहां से पक्के हो जाएंगे। यदि आप इनका जीवन परिचय तैयार कर लेते हो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और जयशंकर प्रसाद जी का, और यहां कवियों में तुलसीदास जी का, बिहारी लाल जी का और सूरदास जी का। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 क्या है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो 2023 में अब संस्कृत के 2 गद्यांश आएंगे, आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना होगा जिसके लिए अब आपको कितने नंबर मिलेंगे, 5 नंबर। किसी एक गद्यांश का आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होगा जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। और दूसरा प्रश्न क्या आएगा, 2 संस्कृत के पद्यांश आएंगे, आपको किसी एक पद्यांश का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखना होगा जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं यहां पर संस्कृत का यह गद्यांश जो दिया गया है किस पाठ से है, अस्माकं संस्कृति सदा गतशीला वर्तते, इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है या उत्तरित है, और इसके बाद हिंदी अनुवाद हेडिंग डालने के बाद हिंदी अनुवाद लिख देना है। इसके बाद यहां पर अथवा में है श्लोक,
और इसका संदर्भ क्या हो जाएगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वीरह वीरेण नामक पाठ से अवतरित है या उद्धृत है। और इसके बाद प्रश्न आया है, अपनी पाठ पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। दो नंबर का प्रश्न है और दो नंबर का ही आएगा 2023 की बोर्ड परीक्षा में। लेकिन अब आपको श्लोक कितने याद कर लेने हैं, अब आपको तीन श्लोक याद कर लेने हैं क्योंकि दो आएंगे संस्कृत के पद्यांश के रूप में, आपको तीसरा श्लोक लिखना होगा। क्योंकि यदि आपने दो श्लोक याद किए हैं और दोनों पूछ लिए गए तब आप क्या करोगे, इसलिए आपको तीन श्लोक तैयार करने हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। इसके बाद है यहाँ पर निम्नलिखित सब प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, तो यह भी पूछा जाएगा प्रश्न। और संस्कृत के कितने प्रश्न आएंगे, तो संस्कृत के चार प्रश्न आएंगे और आपको चार नंबर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर चार प्रश्न होंगे और दो प्रश्नों का उत्तर देना होगा, प्रत्येक प्रश्न दो अंक का होगा, यानी चार नंबर मिलेंगे जब आप दोनों प्रश्नों का आंसर सही तरीके से दे पाओगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न क्या है, कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहाँ मरना मंगलकारी है, तो वाराणसी मरणम मंगलम भवति इसका उत्तर हो जाएगा। पुरु राजा केन सा युद्धम अक्रोत, पुरु राज ने किसके साथ युद्ध किया, तो पुरु राजा अलछेद्रेण सह युद्धम अक्रोत इसका आंसर यह हो जाएगा। चंद्रशेखर कह आसीत इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि चंद्रशेखर एका प्रसिद्ध क्रांतिकारी देश भक्ता चासित। और इसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 8 का, करुण रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव बताते हुए परिभाषा लिखिए। तो करुण रस की परिभाषा क्या है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, और जहां शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा व्यविचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणित होता है वहां करुण रस होता है। करुण रस का उदाहरण क्या है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी, या फिर आप उदाहरण लिख सकते हैं, आपको इस बार लिखना नहीं है, करुण रस से रिलेटेड हास्य रस से रिलेटेड जो प्रश्न आएगा बहुविकल्पी के रूप में आएगा, लेकिन प्रश्न चाहे तो परिभाषा के रूप में पूछ लिया जाए या उदाहरण होगा, आपको बताना होगा कि दिए गए उदाहरण में कौन सा रस है। या प्रश्न आ सकता है कि करुण रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, प्रश्न कई तरीके से पूछा जा सकता है, बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, एक नंबर का प्रश्न होगा। आप देख सकते हो मैंने वीडियो प्रोवाइड करा रखी है, आप देख सकते हैं मॉडल पेपर 2023 बोर्ड परीक्षा का। और इसके बाद है उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण भी दीजिए। तो रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है, रूपक अलंकार की परिभाषा बिल्कुल आसान है, मैं आपको बता दूं, रूपक अलंकार की परिभाषा जहां उपमेय में उपमान का आरोप करके दोनों में अभेद कर दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। कौन सा रूपक अलंकार होता है, उदाहरण है राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी, और दूसरा उदाहरण क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई, बिल्कुल आसान उदाहरण है और सूरदास जी का पहला पद भी है। इसके बाद है प्रश्न 8 गा रोला छंद अथवा सोठा छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण दीजिए। तो प्रश्न आ सकता है रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, और रोला छंद में कितने चरण होते हैं, या उदाहरण दिया होगा आपको पहचान कर बताना होगा कि दिए गए उदाहरण में कौन सा छंद है। तो सोठा छंद की परिभाषा चलिए मैं आपको बता दूं, सोठा छंद की परिभाषा क्या होती है, सोठा छंद की परिभाषा हो जाएगी कि इसके प्रथम यानी पहले और तीसरे चरण में, सोठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण बिल्कुल आसान है सोठा छंद का, जेहि सुमिरत सिद्धि होए गण नायक करि वर वदन करह अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 है, यहाँ पर निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो अन से क्या बन जाएगा, अन से बन जाएगा
अन्य पढ़ बन जाएगा या आप बना सकते हैं अनजान भी लिख सकते हैं। और इसके बाद है उप से उपकार बन जाएगा और सु से क्या बन जाएगा सुयोग्य बन जाएगा या सुकर्म बन जाएगा। अभि से अभिमान बन जाएगा, क्या बन जाएगा अभिमान बन जाएगा। अधि से अधिकार बन जाएगा, क्या होगा अधिकार बन जाएगा। और सह से सहपाठी हो जाएगा या सहयोगी भी कह सकते हो आप। फिर है यहाँ पर प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों के प्रयोग से एक एक शब्द बनाइए। तो यहाँ पर आई से क्या बन जाएगा लिखाई बन जाएगा, क्या लिखाई बन जाएगा। ता से सज्जनता बन जाएगा, सज्जनता, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। और हट से क्या बन जाएगा घबराहट, क्या घबराहट या मुस्कुराहट भी आप लिख सकते हो, घबराहट हो जाएगा। और वट से क्या बन जाएगा सजावट बन जाएगा, क्या सजावट बन जाएगा। तो इस तरीके से इन प्रश्नों का भी आंसर मैंने आपको बता दिया है और आप इस पेपर को जरूर तैयार कर लो। यहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% आएंगे, ये गारंटी है। और इसके बाद प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं दो का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी लिखिए। तो यहाँ पर उत्थान पतन का विग्रह क्या होगा, उत्थान और पतन हो जाएगा। समास कौन सा द्वंद्व समास, चौराहा में कौन सा समास है द्विगु समास है। और इसका जो है विग्रह क्या हो जाएगा, यानी इस चौराहा का क्या करना है समास विग्रह भी करना है, तो क्या हो जाएगा चार राहों का समूह हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पर्यायवाची शब्द से भी रिलेटेड प्रश्न बहुविकल्पी आएगा, आप देख लीजिएगा। तो बादल का क्या होगा वारिद होगा, पुत्री का क्या होगा सुता होगा, गणेश का गणपत होगा, कमल का जलज पंकज सरोज हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो यहाँ पर धुआं है तालाब है जेठ है, जेठ का ज्येष्ठ हो जाएगा, आग का अग्नि हो जाएगा तत्सम रूप। तो आपको बहुविकल्पी के रूप में ये सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि विग्रह कीजिए और संधि का नाम बताइए। तो यह प्रश्न भी कैसा आएगा, अब आएगा बहुविकल्पी, दिया होगा प्रत्येक या प्रत्येकम लिखा होगा, फिर इसका आपको संधि विग्रह करना है, संधि का नाम बताना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। अब आएगा बहुविकल्पी प्रश्न, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 घा कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर 5 वाक्य दिए गए हैं, किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। और प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो अब जो निबंध से रिलेटेड प्रश्न आएगा, अब कितने नंबर का आएगा निबंध से रिलेटेड जो प्रश्न आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में, अब आएगा 9 नंबर का, कितने 9 नंबर का आएगा। इसलिए महत्वपूर्ण निबंधों को आप जरूर तैयार कर लो। तो अब आपको महत्वपूर्ण निबंधों से भी रिलेटेड वीडियो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप देख पाएंगे। फिर है यहाँ पर, अपनी पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो अब जो प्रश्न आएगा खंड काव्य आधारित, अब कितने नंबर का आएगा, अब आएगा प्रश्न यह, अब आएगा 3 अंक का, जैसा कि पहले आता था अब भी 3 अंक का आएगा। तो मैंने आज की इस वीडियो में आपको बता दिया है जो 2000 बोर्ड परीक्षा का हिंदी विषय का पेपर था, आपको कंप्लीट बता दिया है। यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे 2023 की बोर्ड परीक्षा में। और आपको करना क्या है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी करने के लिए चैनल के साथ जुड़िए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।